एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉपी स्किप के बारे में। ये कैसा टूल है और ये प्लेजरिज्म को किस हद तक डिटेक्ट करता है, ठीक है? बाकी टूल्स में और कॉपी स्किप में क्या डिफरेंस है, जो फ्री टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उनमें, और ये जो आपको पता होगा कॉपी स्किप एक पेड टूल है, ठीक है, उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये रीजनेबल है, क्या ये बाय करना चाहिए, क्या ये रिलायबल है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, तो आज इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। तो अगर जैसे ही आप copyscape.com की स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉग इन कर लें, अदरवाइज आप साइन अप कर लें। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं करूँगी लॉग इन, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया लॉग इन पे। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रीमियम सर्च, इसके नीचे लिखा हुआ है मेरे अकाउंट में $4.26 पड़े हुए हैं जो कि रिमेनिंग है, मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन आ रही है परचेज मोर की। आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों का न्यू अकाउंट होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है परचेज मोर की ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गई है एक स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आप $5 से $500 तक कोई भी अमाउंट इधर लिख सकते हैं, जितने का भी आप बाय करना चाह रहे हों। और ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये वैलिड होते हैं फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, मतलब एक साल के अंदर अंदर आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी 5 का ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। इसके बाद नीचे कार्ड्स के ऑप्शन है, इधर आप कहीं भी क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कार्ड है आपने उसी स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से भी आप ये डॉलर्स में, यूरोज में या पाउंड्स में, हम लोग तो डॉलर्स में ही करते हैं तो इधर मैं डॉलर ही रहने देती हूँ। यहाँ से मेरा वीज़ा कार्ड है तो मैंने वीज़ा पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने अपने कार्ड की सारी डिटेल्स एंटर करनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, तो मेरे अकाउंट में से $5 डिडक्ट होंगे और कॉपी स्केप में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा कॉपी स्केप की स्क्रीन पे आई हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा $5, क्योंकि आप लोगों ने अभी बाय किए होंगे। ये मैंने 15 नवंबर को बाय किए थे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी 1 ईयर की है और ये 15 नवंबर 2021 को एक्सपायर होंगे, ठीक है। आप आज बाय कर रहे हैं तो आपके नेक्स्ट ईयर 23 को एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं जाती हूँ यूजर सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे होता है लिमिट पर सर्च, ठीक है। अगर आप लोगों को 5500 वाले आर्टिकल ज्यादा चेक करने हैं तो आप इस पे कर दो ये 900 वाली ऑप्शन, ठीक है। इस पे आप ये देखिए, ये काफी सारी ऑप्शंस हैं क्योंकि जब आप ज्यादा अमाउंट चेक करेंगे तो वो आपको नीचे चेक बॉक्स देगा, ठीक है, मतलब लाइक एक वार्निंग साइन कि आप इस अमाउंट से ज्यादा की चेक कर रहे हो, इस वर्ड काउंट से ज्यादा वर्ड्स चेक कर रहे हो, क्या आप चेक करना चाहते हो, मतलब वो कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। तो इस तरह की देखें काफी सारी ऑप्शंस हैं। मैंने की हुई है ये वाली 1900 वर्ड्स $0.20, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दोबारा मेन स्क्रीन पे जाती हूँ। ठीक है, ये आ गई हूँ मैं मेन स्क्रीन पे। अब मुझे यहाँ पे या तो मैं फाइल भी चूज कर सकती हूँ या फिर मैं कॉपी करके अपना टेक्स्ट पेस्ट करती हूँ। तो ये मैंने एक फाइल ली है जिसमें थोड़ा सा प्लैजरिज्म है आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। ये मैंने बंद की। ओके, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको पेस्ट। आई थिंक कॉपी नहीं हुई। स्क्रीन हेल्ड हो गई है, चलें 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलें जी, मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉपी और अब मैं क्लिक करूंगी प्रीमियम सर्च के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपनी लिमिट 0.20 की हुई है, तो अब ये ज्यादा अमाउंट है इसलिए ये मुझे एक चेकबॉक्स इसने दिया है कि आपके वर्ड काउंट इतना है जिसपे इतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ इस चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगी तभी ये मेरा कंटेंट चेक करेगा, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं इसमें कितना प्लैजरिज्म है।
चलें जी, ये दो रिजल्ट्स आए हैं। जिन जिन वेबसाइट से आपने डाटा उठाया होता है सारे लिंक्स यहाँ पे आएंगे अगर प्लेजरिज्म है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं आई है, हर वेबसाइट की इंडिविजुअल परसेंटेज है कि इस वेबसाइट से इतने परसेंट डाटा लिया गया है। तो हम कंपेयर टेक्स्ट पे पहले लिंक के क्लिक करते हैं। अच्छा जी, इस वेबसाइट से 19% डाटा लिया गया है, जो के कितने वर्ड्स हैं इस वेबसाइट के, 929 वर्ड्स सिमिलर हैं आपके कंटेंट के। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसने कितनी बारीकी से आपका कंटेंट देखा है और उसमें प्लैजरिज्म निकाला है। 1, 2, 3 वर्ड्स ये यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे हैं, 4, 5 यहाँ पे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लैजरिज्म आया है, ठीक है। इस वेबसाइट से 19% प्लैजरिज्म था। यही आर्टिकल जब मैंने ग्रामरली में चेक किया तो उसमें बिल्कुल भी प्लैजरिज्म नहीं था, मैक्सिमम 1 or 2% था। अच्छा आप ये देखें कि इस वेबसाइट पे आ रहा है, दिस पेज बिलो नाउ हैज नो वर्ड्स मैचिंग द टेक्स्ट। शायद इन लोगों ने टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस केस में आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का शो हो तो ये जो लाइट कलर्स वाले वर्ड्स हैं ना, या तो ये सिमिलर होते हैं आपके कंटेंट के, या फिर ये डार्क कलर वाले, ठीक है। तो इन दोनों को आप वन बाय वन चेक कर लीजिएगा, जो भी सिमिलर हो आपने उसको चेंज कर लेना है, सिर्फ ये जो इधर ही शो हो रहे हैं। जब आप चेंज करेंगे तो आपका जो है ना ये वाला लिंक वैसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये इस कंटेंट, ये जो कंटेंट मैंने चेक किया है 4878, इस पे जो अमाउंट लगी है वो है $0.5, ठीक है। हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि 5000 वर्ड्स पे आपका $0.5 कट होगा। इससे हम ये देखते हैं कि $1 में आप 10,000 वर्ड्स चेक कर सकते हैं, और आई थिंक ये राइटर्स के लिए बेस्ट और रीजनेबल टूल है जो कि हर कोई बाय कर सकता है, ठीक है। तो जब आपका कंटेंट यूनिक होता है तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है नो रिजल्ट्स फाउंड फॉर द टेक्स्ट यू पेस्टेड, ठीक है। तो आप इस तरह की पिक्चर एक क्लाइंट को स्क्रीनशॉट के तौर पे सेंड कर सकते हैं, आपने जो कंटेंट उनके लिए लिखा है वो बिल्कुल यूनिक है, इससे उनकी जो है ना वो ट्रस्ट आपका डिवेलप होता है ज्यादा। मतलब जब आप फाइवर और अपवर्क को कंपेयर करते हैं तो फाइवर पे इतने प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो आपको कहेंगे आप कॉपीस्केप का ही स्क्रीनशॉट अटैच करो, ठीक है। आप ग्रामरली का भी कर सकते हो, आप क्यू टेक्स्ट का भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा फ्री टूल्स हैं, उनको आप अवेल कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे कॉपीस्केप की बात आती है वहां पे तो फिर आपको ये खरीदना पड़ेगा, ठीक है। $5 आपको लगाने पड़ेंगे और उसमें आप बहुत ज्यादा वर्ड्स चेक कर सकते हैं। तो अपवर्क पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो जब डिस्क्रिप्शन दी होती है उसमें लिखा होता है कि मस्ट पास कॉपीस्केप, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करें। आई विल हाईली रिकमेंड कॉपीस्केप, और इंशाल्लाह बाकी वीडियोज भी जल्द आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।